नमस्कार, आप सीधी तस्वीरें सलोनी रोड से देख पा रहे हैं, जहां पर आज ग्रीवेंसेस कमेटी में एक मुद्दा गया था कि सलोनी रोड पर जो शिव महाभंडार है वहां पर नकली सामान बेचा जा रहा है, जिसकी शिकायत पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सिंह यहाँ लेते हुए वहां पर मौके पर ही अधिकारियों को आदेश दिए कि वहां पर जाकर वह जाकर सैंपलिंग लें। वहीं उप मुख्यमंत्री के आधे घंटे से भी ज़्यादा समय के बाद यहाँ पर टीम अब पहुँची है और शिकायतकर्ता भी साथ में आया है। जहाँ पर ये सीधी तस्वीरें आप शिव महाभंडार सलोनी रोड से देख पा रहे हो, शिकायतकर्ता अमरीश ने ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में ये शिकायत लगाई थी कि यहाँ पर नकली मावा बेचा जा रहा है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर आई है और यहाँ पर माल की सैंपलिंग ले रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा यहाँ पर टीम को तुरंत भेजा गया था। टीम यहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर टीम आई है और अब यहाँ पर वह जांच कर रही है। शिकायत करता साथ में क्या नकली मावा क्या अंदेशा है आपको? क्या जी पकड़ के बोलो, इसमें पकड़ के बोलो जी, बताते रहो क्या है नकली मावा जी। लेकिन मावा ये कह रहे हैं मावा ही नहीं है, ऐसा कैसा हो सके बताओ? इतनी बड़ी दुकान पे मावा नहीं है, कुछ ना कुछ तो रहस्य है। हम अधिकारी मुझे कह रहा करना जी, थारी जेब में पेन है नहीं, बताओ कहाँ से लेऊं? आपको कैसे पता लगा कि नकली मावा? मावा में खरीदा था जी यहाँ से, मेरे हलवाई ने बताया कि मावा खराब है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मावा, इस तरह से खराब मावा आता है जी। मैं पूरी इंक्वायरी करी, वास्तव में सच्चाई है क्या? जब सच्चाई निकल गई मैंने विभाग को शिकायत करी, विभाग ने मेरी कोई नहीं सुनी। फिर आज आपने क्या किया जी? आज मैंने सीएम साहब का मुझे पता चला, मैंने कहा हो सके सीएम साहब के यहाँ से बुलाया गया, वहाँ से लेटर आया, मेरी शिकायत पर तो मैं गया, मैं सीएम साहब के सामने समस्या रखी अपनी कि जी ऐसे ऐसे बात है, मावा खराब है वहाँ अब। लेकिन यहाँ आए, यहाँ ये कह रहे मावा नहीं है, कभी दुकानदार कह रहा ठंडा मावा है। अरे ठंडा है तो उसे निकाल भाई, कहाँ है बड़ा लोचा? ऐसे मावा कहाँ गायब हो गया? क्या क्या लग रहा है आपको? इतने साइज में इतनी बड़ी दुकान में मावा गायब नहीं होना चाहिए। वैवाहिक सीजन है और मावे की काफी डिमांड रहती है। नहीं, डिमांड रहती है, किलो आधी किलो तो आदमी रखता ही है। क्या मानते हैं सीजन पे आपकी शिकायत पर यहाँ से कुछ पहले ही कुछ ना कुछ हुआ जी? रेट से पहले कुछ ना कुछ हुआ है, नहीं तो मावा का क्या मतलब मावा ना मिला इतनी बड़ी दुकान पे? इतनी बड़ी दुकान पे 100 ग्राम मावा भी नहीं है, ऐसा कैसा हो जाएगा? इतनी बड़ी दुकान पानीपत शहर की प्रतिष्ठित दुकान है, मैं भी मावा इसलिए खरीदता था यहाँ से, लेकिन मुझे क्या पता है फर्जी मावा मिल रहा है। क्या नाम है दुकान का? है जी शिव मावा भंडार। आपने इसकी शिकायत पहले अधिकारियों को की थी जी? इसकी शिकायत पहले भी यहाँ पे नकली मावा या नकली सामान पहले भी हुई थी, लेकिन यहाँ अधिकारी को सुनने वाला नहीं, फूड विभाग में कोई अधिकारी नहीं सुनता जी। मैं RTI भी लगा ली, मुझे कोई जवाब नहीं मिलता, यहाँ शिकायत देते रहो अधिकारी सुनते ही नहीं। शिकायत देने का लगे रहो आदमी 6 महीने तक लगा रहो। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत करी हमने, स्वास्थ्य विभाग में भी यही हाल है, पुलिस विभाग में भी यही हाल है। स्वास्थ्य विभाग में कहा झोला छाप डॉक्टर फिर हैं, इतने झोला छाप हैं, लोग मरने लग रहे हैं, इन्हें ऐसे बड़े डॉक्टरों को कोई गोरी नहीं करता। CMO भी ध्यान नहीं देता, DC साहब ध्यान नहीं देते, वो लिखे अगले को देते हैं, वो लिखे आगे देते हैं, कार्यवाही कुछ नहीं होती। कार्यवाही होती भी है CMO के यहाँ से भी, उल्टी सीधी गलत रिपोर्ट बना के पेश कर दें। क्या नाम आपका? अमरीश कुमार जी। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? क्या जी क्या लगता है न्याय मिलेगा? उम्मीद तो है जी, CM साहब तो ये कह रहे जी। तो जी अमरीश जी, हाँ जी, एक मिनट पीछे हो जाइए। यहाँ पर शिकायतकर्ता अमरीश ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठाए, उनका कहना है कि उन्होंने पहले शिकायत भी की थी पर उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते उन्हें पता चला कि आज पानीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आ रहे हैं, जिसकी शिकायत लेकर वह ग्रीवेंसेस की कमेटी की मीटिंग में गए थे और वहाँ पर उसने अपनी यह शिकायत लगाई थी, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह मौके पर अभी जाकर वहाँ पर सैंपलिंग लें। वहीं शिकायतकर्ता अमरीश का कहना है कि यहाँ पर दुकानदार है जोशी मावा भंडार, उन्होंने बताया कि उनके पास यहाँ पर मावा है ही नहीं। वहीं उन्हें बताया कि अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ से जो सामान था उसे गायब कर दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर टीम आई है और यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। अब देखना ये होगा कि
टीम यहाँ से किस चीज़ के सैंपल लेकर जाती है। शिकायतकर्ता ने यहाँ पर नकली मावा होने की शिकायत विशेष कमेटी की मीटिंग में लगाई थी, जिसके चलते उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मीटिंग में ही निर्देश दिए थे कि वह मौके पर जाए और वहाँ पर वह जो सी मावा भंडार है वहाँ पर जाकर वह सैंपलिंग ले। पानीपत के सनोली रोड पर प्रतिष्ठित दुकान है शिव मावा भंडार के नाम से, जहाँ पर लोग यहाँ पर मावा खरीदने आते हैं और विवाहिक सीजन है और शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दुकान पर उसने पहले मावा खरीदा था, जो उन्होंने बताया कि हलवाई ने उन्हें बताया कि यह जो मावा खरीद के लिए है इसमें मिलावट है, जिसके चलते उन्होंने बताया कि उन्होंने यह शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों के पास भी लगाई पर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज जिला कस्टमर की समिति की बैठक में अमरीश जो शिकायतकर्ता वह अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सामने अपनी शिकायत उन्होंने रखी थी। अधिकारी अभी यहां पे आए हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की है। देखते हैं यहां पर कितनी चीज़ों का सैंपल लेकर टीम यहाँ से जाती है। शिकायतकर्ता का अधिकारियों पर भी आरोप है कि उनकी शिकायत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और इन्होंने मिली भगत करके जो नकली सामान था उसे कहीं पर गायब कर दिया है। वहीं उनका आरोप यह भी है कि टीम यहाँ पर करीब आधे घंटे के बाद यहाँ पहुँची है, वह टीम से पहले ही यहाँ पर पहुँच गए थे। सीधी तस्वीरें आप सोनाली रोड श्री महाभंडार से देख पा रहे हैं, जहां पर अधिकारी अब यहां पर आए हैं और वह अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि संबंधित विभाग के अधिकारी यहां पर पहले कार्रवाई करते तो शायद यह नौबत नहीं आती और उन पर संज्ञान लिया जाता था। आपको बता दें कि इन दिनों शादियों का सीजन चला हुआ है। यहाँ पर देखिए लाइट भी नहीं है और अधिकारी अब यहाँ पर आए हैं और वो अपनी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं और शिकायतकर्ता से वो बात कर रहे हैं कि उनकी क्या शिकायत थी। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ पर मोमबत्ती इतनी बड़ी दुकान है और लाइट का प्रबंध नहीं है, इसके पीछे आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये मावा की पन्नी का जो आप देख पा रहे हैं ये मावा बाहर से लाया गया है, इसकी ही सैंपलिंग होगी
सकते हैं, जारी है और काफी देखते हैं अधिकारियों द्वारा दुकानदार पर किस तरह कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इतनी बड़ी दुकान इन्वर्टर, इतनी बड़ी दुकान इन्वर्टर कुछ भी नहीं, जनरेटर भी यहाँ पर होते हैं, जनरेटर भी यहाँ पर होते हैं। मैं दुकान वाला नहीं हूँ भाई, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है। शिकायतकर्ता को साथ बिठाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यहाँ से माल को इधर उधर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पानीपत के रहने वाले शिकायतकर्ता अमरीश ने पहले भी उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया था, पर उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके चलते आज उन्होंने पानीपत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने की खबर लगी और उन्होंने अपनी शिकायत जो जिला कष्ट निवारण की समिति की बैठक उसमें लगाई, और जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए और कहा कि अब वो अभी जाकर शिव महा भंडार पर जाए और वहां पर वो सैंपलिंग ले। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। नमस्कार।